नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा के नए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद आमजन को संवेदनशील प्रशासन देने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से विशाल जिले के बाशिंदों को अपने कामकाज के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़े तथा प्रशासन से जुड़ा उनका काम उनके स्थान पर ही हो जाए, यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मोदी अपने कक्ष में स्थानीय पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। युवा आईएएस मोदी ने कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीधे तौर पर मिलना चाहते हैं। उन्हें ऑफिस के बजाय फील्ड का कलेक्टर बनना है। वे चाहते हैं कि लोगों की समस्याएं सुनकर उनका ऑन द स्पॉट निराकरण करवाया जाए। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन के सभी अंग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करें। भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है और यहाँ उद्योग का विकास हो, ऐसे प्रयास होंगे। मोदी ने कहा कि फिलहाल उनकी पहली और महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी कोविड की तीसरी लहर से भीलवाड़ा को मुक्त करवाना। जिला कलेक्टर ने बताया कि यहाँ पूर्व में जो आईएएस अधिकारी कलेक्टर रहकर गए हैं, उनमें से अधिकांश ने उन्हें भीलवाड़ा के बारे में बहुत सकारात्मक फीडबैक दिया है, लिहाजा वे भी यहाँ आमजन के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। गौरतलब है कि आशीष मोदी का परिवार मूल रूप से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का है। व्यवसाय के सिलसिले में उनका परिवार वर्षों पहले झारखंड और कोलकाता पहुंचा। उनकी अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई झारखंड में हुई, बाद में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की। भीलवाड़ा कलेक्टर के पद पर पदस्थापित होने से पहले मोदी जैसलमेर कलेक्टर और उससे पूर्व कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। मैंने आज जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वर्तमान में कोविड के परिप्रेक्ष्य में हमारी सबसे पहले यही प्राथमिकता रहेगी कि जो कोविड संक्रमण है उसको रोका जाए और ट्रैक किया जाए कि जो केसेस आ रहे हैं वो किस एज ग्रुप में आ रहे हैं, ताकि संक्रमण से होने वाले जो भी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उसको रोका जा सके। और ओमिक्रॉन के नए लक्षण भी पाए गए हैं तो उसको भी हम ट्रैक करें, और जैसे ही कोविड समाप्त होता है उसके बाद आपको पता है कि लोकतंत्र में जनता की प्राथमिकता ही सरकार की प्राथमिकता होती है, जनता की प्राथमिकता के हिसाब से और राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में 11 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। घटना रविवार की बताई जा रही है। पीड़िता के पिता के परिचित एक युवक ने मासूम को बाजार से सब्जी दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर एक सुनसान कमरे में उसका रेप किया। सोमवार को नाबालिग की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। इधर इस संबंध में नाबालिग की बहन जब आरोपी के घर शिकायत लेकर पहुंची तो आरोपी की पत्नी ने उसके साथ मारपीट कर दी। मामले को गंभीरता से देखते हुए सुभाष नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपी आमलियों की बारी निवासी कालू को हिरासत में ले लिया। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि भीमगंज थाना क्षेत्र के आमलियों की बारी निवासी कालू शनिवार को अपने परिचित के घर गया था। वहां परिचित की 11 साल की बेटी को वह सब्जी दिलाने के बहाने अपनी बाइक पर ले गया। वहां से एक सुनसान मकान में ले जाकर उसने नाबालिग के साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर घर पर छोड़कर चला गया। डरी सहमी हुई बालिका ने अपने घर पर किसी को नहीं बताया, लेकिन रविवार को मासूम की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मां ने उसे पूछताछ की तो मासूम ने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी घटना बयां कर दी, जिसके बाद परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस संबंध में पीड़िता की मां ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले कर पूछताछ शुरू कर दी है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। कल शाम को थाना सर्किल से ही एक महिला ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरी 11 साल की एक बच्ची है, जो हमारे मेरी बड़ी बच्ची जो है उसके ससुराल में कोई रिलेशन वाला है जो घर पे आया था, और उस बच्ची को बोला कि कुछ काम से मैं आपकी बच्ची को लेके जा रहा हूँ। मोटरसाइकिल पे बिठा के वहीं लेके गया था और शहर में ही कहीं उस ले जाके उसके साथ गलत काम किया। तो बच्ची को जब थाने पे लाया तो पूछताछ की तो उसने बताया था कि यही व्यक्ति उसको 2-3 बार पहले भी किसी काम से लेके गया और उसके साथ इस तरह की बलात्कार जैसी घटना की गई है। बच्ची को आज रात को भी पोस्टमार्टम मतलब उसके मेडिकल रिपोर्ट के लिए गए थे, उसके आज मेडिकल हो रहा है बच्ची का, उसके बाद जैसे भी कार्रवाई होगी आगे कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार, भीलवाड़ा जिले में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कहा कि पिछले काफी समय से राजस्थान प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार तथा दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में बालिकाएं महिलाओं का जीना दुखदायी हो गया है। आए दिन होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं ने राजस्थान सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है।
आपराधिक घटनाओं को लेकर समय पर मुकदमे दर्ज नहीं होना, कार्रवाई नहीं होना, बड़े अधिकारियों के दखल के बाद मुकदमे दर्ज होना बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज इसी कारण से राजस्थान संपूर्ण भारत में महिला अत्याचार की घटनाओं में देश का प्रथम राज्य बन चुका है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अलवर की घटना ने तो राजस्थान की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। घटना के लगभग 7 दिन बाद भी आज तक पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस घटना को दुष्कर्म के बजाय दुर्घटना में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने अलवर घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। प्रदेश में बढ़ती महिला अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कहा, ताकि इन घटनाओं पर रोक लग सके। यदि कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा आंदोलन करेगी। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ज्ञापन कार्यक्रम में जिला महामंत्री मुरलीधर जोशी, बाबूलाल टांग, जिला उपाध्यक्ष कैलाश चिंगर, जिला मंत्री नंदलाल गुर्जर, शिखा नवल जागेटिया, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, महावीर समदानी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरन डीडवानिया, आजा शर्मा, मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिंगीवाल, किशोर सोनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भीलवाड़ा की ओर से प्रदेश भर में महिलाओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं और अत्याचार को लेकर तथा बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और हम देख रहे हैं कि अलवर की जो घटना हुई है उसने तो वास्तव में रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटना है, और पुलिस और मेडिकल के अधिकारियों ने घटना के तुरंत बाद ये कहा था कि उस बालिका के साथ में दुष्कर्म हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक, आज 7 दिन होने को जा रहे हैं, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और राज्य सरकार द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस घटना को जिस तरह से दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं, मोड़ देने के प्रयास किए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि दुष्कर्म ही नहीं हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्घटना बताया जा रहा है। और हम तो मांग करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है, आज इसकी जांच सीबीआई से हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज भीलवाड़ा की भी बात करते हैं तो भीलवाड़ा में 11 साल की मासूम बालिका के साथ में कल घटना हुई है। ऐसी पिछले 15 दिन में जिले के अंदर लगभग 1 दर्जन घटनाएँ हुई है, लेकिन पुलिस यहाँ पर भी हाथ के हाथ धरे बैठी है। उन घटनाओं में लिप्त लोगों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन लड़कियों के बयान तक नहीं कराए गए हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। और इन बढ़ती हुई घटनाओं का यदि हम कारण देखेंगे तो राजस्थान की सरकार में बैठे ऐसे सत्ताधारी पार्टी के नेता इन घटनाओं को जिस तरह से दबाते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं होने देते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है बड़े अधिकारियों के दखल के बाद में तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, और गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके अंदर भी उन महिलाओं को और उनको दबाव डाला जाता है। आज हम मांग करना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर इस तरह की घटनाएं इसी तरह से बढ़ती रही तो भारतीय जनता पार्टी को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार की होगी, गहलोत सरकार की होगी। हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारी केंद्र और राज्य सरकारें आम जनता के प्रति बहुत जागरूक हैं, जिसकी वजह से इतने वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में निशुल्क हुआ है। वैक्सीनेशन के कारण ही पहली और दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में ओमिक्रोन से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। ये विचार वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा आयोजित प्रीकॉशन वैक्सीनेशन कैंप के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर अभिनव निर्वाण द्वारा व्यक्त किए गए। मंच अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री मदन खटोड़ ने सभी का स्वागत किया। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम प्रभारी कैलाश चंद्र पुरोहित ने बताया कि कैंप में कुल 140 वैक्सीन, जिसमें बूस्टर डोज के साथ प्रथम एवं द्वितीय डोज भी लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। अस्पताल प्रशासन के अरुण पुरोहित, यास्मीन एवं अन्य स्टाफ की मेडिकल टीम ने टीकाकरण किया। वरिष्ठ नागरिक मंच की भवानी शंकर शर्मा ने स्वनिर्मित 100 मास्क वितरित किए। वे अब तक 15,000 से अधिक मास्क बनाकर वितरित कर चुके हैं। इस अवसर पर आरपी रूंगटा, मूलचंद बापना, महेश खंडेलवाल, राम प्रकाश पोरवाल, रामपाल शर्मा, बसंतीलाल मुंदड़ा, आरके जैन, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर केसी पवार, सुशील लुहाड़िया, उमाशंकर शर्मा, राधेश्याम शर्मा, गोपाल अग्रवाल, वीणा खटोर, मंजू खटवर, शकुंतला बापना, आशा लुहाड़िया आदि उपस्थित थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने कोविड वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज का एक नया कार्यक्रम हाथ में लिया है।
उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशानुसार भीलवाड़ा में वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है। वैसे तो सरकार की ओर से बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, परंतु हमारे वरिष्ठ नागरिकों को और अधिक सुविधा हम दे सकें इसके लिए हमने छोटा सा प्रयास किया है। आज लगभग 100-125 करीब हम अभी तक वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अभी समय है और भी आएंगे लोग। हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं मेडिकल प्रशासन का, जिन्होंने हमको सहयोग प्रदान किया, और सभी वरिष्ठ नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और इसी प्रकार आप सहयोग करते रहें, हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। मैं मदन खटोर, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान भीलवाड़ा और महामंत्री वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भीलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांड, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो, तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसने हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज, 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा।
रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभाग संयोजक रौनक हिंगड़ के नेतृत्व में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्लियास की विद्यालय कार्यकारिणी का गठन किया गया। हिंगड़ ने विद्यार्थी परिषद की विचारधारा एवं कार्यशैली के बारे में बताया और विद्यार्थी परिषद हर क्षेत्र में कैसे कार्य करती है उसका भी विवरण किया। फिर विद्यालय कार्यकारिणी की घोषणा की गई जिसमें इकाई अध्यक्ष अंशुल वैष्णव, इकाई उपाध्यक्ष अंशुल पारिक, अक्षत जोशी, इकाई सचिव अमन सैन, इकाई सह सचिव अजय राठौड़ एवं विशाल जोशी, SFD प्रमुख अनुराग शर्मा, SFD सह प्रमुख बनवारी पाराशर, खेल प्रमुख पवन टेलर, SFS प्रमुख कीर्तेश सुखवाल, SFS सह प्रमुख आदित्य राठौड़, सोशल मीडिया प्रभारी नवीन वैष्णव को नियुक्त किया गया। संचालन सूर्यदेव सिंह ने किया। इस दौरान आशीष चौधरी, टिकम माली, कुणाल सिंह, दुर्गेश साहू आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भिलवाड़ा जिले के ग्राम खैराबाद में कुमावत समाज के जिला लेवल पर छात्रावास एवं सामाजिक संगठन हेतु आम सभा का आयोजन हुआ। खैराबाद में एक आम सभा कुमावत समाज की रखी गई जिसमें मुख्य अतिथि भिलवाड़ा कुमावत समाज विकास एवं शोध संस्थान के जिला अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत एवं विशिष्ट अतिथि नगर परिषद पार्षद भिलवाड़ा सत्यनारायण कुमावत, कुमावत महासभा जिला अध्यक्ष बंशीलाल कुमावत, नगर अध्यक्ष रामलाल कुमावत, कोषाध्यक्ष श्रवणलाल कुमावत, रोशनलाल कुमावत, जगदीश कुमावत, बजरंग कुमावत आदि उपस्थित थे। संस्था जिला अध्यक्ष शंकरलाल कुमावत ने अपने उद्बोधन में बताया कि समाज को संगठित कर समाज के भामाशाहों के सहयोग से भिलवाड़ा में जल्द ही छात्रावास का निर्माण किया जाएगा जिससे कि समाज में शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता पैदा होगी। यदि समाज संगठित होगा तो हर क्षेत्र में सामाजिक विकास भी निश्चित रूप से होगा। पार्षद सत्यनारायण कुमावत ने संगठन के बारे में संस्था के बारे में विस्तार से बताते हुए आश्वासन दिया कि यह संस्था निश्चित रूप से लंबे समय तक आप सबको साथ में लेकर कार्य करेगी और मूल उद्देश्य शिक्षा की जागृति एवं सामाजिक उत्थान के लिए संस्था निरंतर कार्य करेगा जिसमें कुमावत समाज के भिलवाड़ा जिले में निवासरत सभी परिवारों को इस संस्था से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस उद्घोषणा पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों ने सहमति जारी करते हुए प्रत्येक घर से आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। वे लगभग 8 से 10 सदस्यों ने आजीवन सदस्यता ग्रहण करने का वादा करते हुए निरंतर इस संगठन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस मौके पर गांव से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति उपस्थित था जिसमें शिक्षाविद कन्हैयालाल कुमावत, रघुनाथ घोड़ेला, नंदलाल नागोरा, भेरूलाल बात्रा, भेरूलाल धमाणिया, नानालाल घोड़ेला, श्याम नागोरा, देवीलाल मंडलिया, लादूलाल देतवात, गंगाराम सूरलिया, कालू घोड़ेला, गिरधारी लाल घोड़ेला, राजेंद्र बात्रा, संजय धामणिया आदि उपस्थित थे। मैंने ये छोटा सा जब मेरे को जिम्मेदारी दी चुनाव की घूमा तो उसमें आप लोगों का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, उसमें एक पार्षद पद हम लेके आए भिलवाड़ा के लिए। और आज मतलब देश आजाद हुआ तो नगर पालिका में अपना कोई आदमी वहाँ पर पार्षद या कोई भी नहीं बना। और मैं कह रहा हूँ कि जब से देश आजाद हुआ जब अपने जिले में सबसे पहला स्थान एक नागोराम जी कुमावत जो आशीन से विधायक बने थे 42 साल पहले, और 42 साल बाद में एक पार्टी ने कोई छोटा मोटा पद दिया तो अपने मान्यता दिया। अभी तो भी आप लोगों की शक्ति थी, आप लोगों के वोट की शक्ति थी, आप लोगों का संगठन था वहाँ पे, जितने भी अपने कुमाऊँ वाले तहसील में रहते हैं उनका संगठन था, एकता थी उनकी, एकता थी कि उन्होंने कहा कि अपने को पार्टी को संगठन से लेकर वोट दे रहे तो अपने कम तो भी जब भी कोई सुविधा आवे तो अपन लेस के। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने जिले के जहाजपुर तहसील के पांचा का खेड़ा में 14-15 जनवरी की रात को अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से कुत्ते को गंभीर रूप से घायल कर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक भिलवाड़ा को प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए हत्यारे के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। जाजू ने बताया कि पांचा का खेड़ा में पिछले माह भी 10 कुत्तों की जहर देकर हत्यारों द्वारा हत्या की जा चुकी है। जाजू ने बताया कि पांचा का बाड़ा निवासी रामगोपाल मीणा ने एक प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र भी जहाजपुर थाने में पेश किया था पर कोई कार्रवाई नहीं होने से उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज करवाई। जाजू ने मामले से PFA की राष्ट्रीय अध्यक्षा मेनका गांधी एवं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया नई दिल्ली को भी अवगत कराया है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।